असलम एवरीबन uh, हमेशा की तरह इस बार भी आपके साथ हम लोग सीरा का सेशन लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत हमारे लिए बहुत हौसले की बात है कि हम जो है वो आप लोग हमारे साथ अब तक जो है वो हमारे साथ सीरा के सेशन में हैं और इन आगे भी इस इसी तरह से रहिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होते रहे

जो दौर है स्ट्रगल का वो हम लेकर चल रहे थे और उसी दौर को आज हम जो है वो आगे मजीद और लेकर चलते हैं जी जुने स्लाइड आगे कीजिएगा प्लीज ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया था कि किस तरह से मुसलमानों को जो है वो अः तबलीग के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब अल्लाह ताला ने रसुल्ला से कहा कि अब तुम अल ऐलान तबलीग शुरू कर दो तीन साल तो रसूल्ला ने खामोशी से तब्लीक की अब ये वो दौर स्टार्ट हो गया है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि बर्मला अब जब जाहिर है कि बर्मला तबलीग शुरू हो जाएगी तो कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन भी आएगा और रिएक्शन जो मश्रकिन का रिएक्शन आया सामने वो ये आया कि उन्होंने मुसलमानों को तकलीफें देना शुरू कर दी थी तो ये हमारा लास्ट सेशन का टॉपिक था जी जिन्हें नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा

मगर पहली नशस्त में अबू लहब ने बात बदल दी और मुकम्मल बात नहीं करने दी फिर आपने कुछ दिन बाद दावत पे बुलाया और उनके सामने अपनी आ, ये दीन का, दीन हक हाँ की दावत को रखा लेकिन इस दफा भी किसी की तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया सिवाय हजरत रसल तू के जिन्होंने जो, जो कि उस वक्त अभी बचे थे और उन्होंने खुल के अपनी हिमायत का ऐलान किया फिर उसके बाद तीसरे तीसरा मौका वो था जब मजीद आयत के आने के बाद अल्लाह ताला ने जब रसूल वसल्लम से खुल के कह दिया कि अब आप लोगों को दावतें आम दें तो रसूल वसल्लम ने कोहे सफा पे चढ़कर उनको ऐलानिया दावत दी जी सादिया प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रॉफिट रसुल्ला को तकलीफ देना अब अब इस लेवल पर आकर क्या लेवल था अः का रसूल्ला के साथ तकलीफ देने के मामले में क्या रवैया हो गया था अब जब ऐलानियात तबलीग के मरहले का आगाज़ हो चुका था और इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में पहले तो कुफार ने मुख्तफ रवैये अपनाए जैसा कि हमने लास्ट अपने सेशन में देखा था कि पहले गुली करने की कोशिश की तमस्कर इस मजाक उड़ाना और उनको इस तरह से डिस्करेज करने की कोशिश की गई फिर मुतालबात ऐसे सामने कुछ लोग कुछ दो टाइप की इस किस्म की भी चीजें करने की कोशिश की गई और धमकिया मेज और बाकी मुसलमान साहब कराम जो थे और तौर पे जो कि गरीब या गुल तबके से ताल्लुक रखते थे उनको शदीद तशद का निशाना बनाया गया और सिर्फ गरीब साहब कराम नहीं सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि अच्छे खानदान के जो लोग थे उनकी मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं जैसे कि हजरत उस्मान रजील तन को उनका चचा चटाई में लपेट के तो उनको धुआं दिया करता था उनको सफोकेट करने के लिए इसी तरह हजरत मुसबिन उमेर अच्छे खानदान से थे बहुत खाते पीते घर आने के थे और बड़े लाडले थे अपने माँ बाप के लेकिन उनको इस्लाम लाने की पादाश में उनके घर से निकाल दिया गया और काफी उनके खर्चा पानी बंद करके तो उनको तकालीफ का सामना देने की कोशिश की गई और बाकी जो बिलाल रज़ी तला हूँ उन लोगों का तो मामला ही अलग थे क्योंकि एक गुलाम के ऊपर तो मुकम्मल इख्तियार उसके मालिक को होता है तो उनके साथ तो हर मुमकिन गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता था अमार बिन यासर के सामने उनके वाले को शहीद करके और शदीद तरीन बदतरीन तशद का उनको निशाना बनाया गया तो ये तो थे वो तमाम मुसलमान जिनको अजियतें दे के ये बता दिया गया था कि हम किस हद तक जा सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ अब उनको मालूम हुआ कि रसूल वसलम जो कि उस वक्त एक कुरैश के मोज़ज तरीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे इसके बावजूद वो भी दस्त से महफूज नहीं थे अबू लहब किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता था किसी किस्म की उनको तकलीफ पहुंचाने से अजियत देने से जहनी अजियत देने से उसकी बीवी भी राहों में कांटे बिछाया करती थी ताकि मुंह अंधेरे सुबह जब निकले तो अनजाने में उनके पैर जरूर जख्मी हो जाए इसी तरह अबू जहल और मशर और की नमका वो भी कोई ना कोई कसर आ, उठाने की कोई आ, कसर नहीं छोड़ते थे इसी तरह रसूल वसल्लम के बारे में वो एक वाक्य हमने पिछली क्लास में भी पिछले सेशन में भी तस्करा किया था कि जब आप सलम काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो एक ऊंट की ओझड़ी इलाके आपकी गर्दन पे रख दी गई जिसके वजन की वजह से आप उठ नहीं सकते थे एक निजास्त भरी चीज़ नमाज की हालत में किसी पे रख देना वैसे भी बहुत तकलीफ थे और जब हजरत बीबी फातमा को मालूम हुआ तो वो आईं और रोती जाती थी और ओजड़ी हटाती थी और फिर उसके बाद रसोल वनी गर्दन उठाने के कामयाब में कामयाब हुए तो ये तो उन्होंने एक तमस्खर की सूरत की थी लेकिन अब उनका जो रवैया है वो तशद की तरफ बढ़ रहा था अब इस स्टेज पे आके अबू जहल ने जैसे कि एक मरतबा कुफार से कहा एलानिया कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ तुम लोगों के सामने आके नमाज पढ़ता है वो से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लम की तरफ इशारा था कि वो तुम्हारे सामने जमीन पर अपना माथा रखता है अपना चेहरा रखता है तो उसने कसम खा के कहा अबू जहल ने कि मेरे सामने अगर उसका चेहरा जमीन पे हुआ तो मैं उसको नाउजुबिल्ला अपने पाँव से मसल डालूंगा मैं तुम देखना मैं करूंगा क्या और इस इरादे से उसने इंतजार किया अगले दफा नमाज पढ़ने का और पहले से मौजूद था और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो अबू जहल आगे बढ़ा ताकि अपने मजमूम इरादे को पूरा कर सके लेकिन लोगों ने देखा कि वो अपने हाथों से अपना बचाव करते हुए पलट के पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं तो 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 बीच में आग की खंदकें थी और पर थे बाद में रसूल ला ला ने सूल सहाम को बताया कि वो जब्राईल अमीन थे हमारे दरम्यान और अगर ये कोशिश करता आगे आने की तो फरिश्ते इसका एक एक उस चक लेते इसी तरह एक दफा उसने नमाज की हालत में यह भी कोशिश की थी कि पत्थर भारी ले जाके आप सलम के नाउलने की और तब भी यही हुआ कि की इसी तरह मंजर से उसको अल्लाह ताला ने रोक दिया तो अब ये सोचने की बात है कि जिस शख्स के सामने ये सारी अलामत आ जाएं और वो देखे कि मैं चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि आम लोगों को नहीं नजर आ रही तो ये बहुत बड़ी दलील थी अगर जिद अनाहठ धर्मी ना होती आड़े तो वो यकीनन इन चीजों से ही समझ जाता कि वो उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से है अल्लाह के रसूल का मुकाबला करके वो असल में अल्लाह की दुश्मनी पे उतरा हुआ है यानी एक सुपर नेचुरल निशानी उसने अपने आंखों से देख ली थी और उसके बावजूद भी जो है वो उस चीज को डिनाय कर रहा था आ, यहां पर फातिमा अब मश्रकिन मक्का और ये लोग यहूदी आलमों, आलमों के पास भी जाकर और उनसे मदद लिया करते थे तो यहूदी आलमों के पास जाकर उन्होंने ऐसा क्या हासिल किया या क्या उनको तदबीर मिली इस हवाले से कि वो रसूला के लिए इस्तेमाल कर सके बिल्कुल अब मक्का के अंदर तो तमाम मशर्किन ही रहते थे और मदीना की जो आबादी थी उसके इर्द गिर्द यहूद आबाद थे यहूद का यहाँ आना ये एक उनका दूसरे इलाकों से एक तरह से नकल मकानी करके यहाँ पे आके आबाद होने वाला मामला था इसलिए ये लोग वाकिफ थे कि ये लोग जो यहूद हैं यहाँ किसी मकसद से आए हुए हैं और यहूद की अपनी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी ये यशरप के इलाके की निशानियां बताई थी कि खजूरों के बागात वाले इलाके में हिजरत करके आएगा और इसी के यहाँ पे आए थे ताकि हम उस नबी के इंतजार में पहले से मौजूद हों और इनको पूरा यकीन था कि वो बनी इसराइल में से होगा So, जब भी मशरकिन से इनका मुकाबला होता था वो अक्सर मुकाबला क्या किसी कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज हो जाती तो क्योंकि इतने सामने आके जंग करने वाले तो थे नहीं ये तो चालबाज किस्म की कौमी थी तो ये हमेशा ही कहते थे कि ठीक है ठीक है तुम हमारे साथ जो करना चाहते हो कर जब हमारा नबी आएगा फिर हम तुम्हें पूछ लेंगे सो so, मुशरकिन मक् के लिए नबूवत का लफ्ज नया नहीं था और उनको पता था कि यहाँ पे जो एक कौम है वो किसी नबी का इंतजार कर रही है गो के यकीन हो या ना हो ये अलग बात है मगर उनको मालूम था कि ऐसा है हुँ. सो जब रसूल की किसी भी तरीके से ये उनका रास्ता नहीं रोक पाए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लाजवाब किया जाए हुँ. तो उस ख्याल से वो यहूदियों के पास गए और उनको बताया कि भी हमारे यहाँ तो एक शख्स ने ऐसा दावा कर दिया है तो कोई ऐसी चीज बताओ जिससे हम उसको जैसे आम अलफाज में अगर हम कहें ना जैसे किसी की बोलती बंद कराने की साजिश की जाती है तो इसी तरह की सोच के साथ हो कि कोई ऐसी रख दिया तो तो तीन सवाल, सवाल उनसे पूछो अगर तो वो झूठा शख्स है तो या तो वो इन तीनों के सवाल तीन सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा या फिर वो तीनों सवालों के जवाब दे पाए तो भी वो झूठा है लेकिन अगर जवाब देगा और एक का नहीं देगा तो फिर ये अलामत हो सकती है उसके सच्चा होने की इसका मतलब ये है कि वो तीन सवालों में से दो के सवालों के जवाब उनको मिल चुके थे और एक का सवाल एक सवाल का जवाब उनको भी नहीं मिला था या अल्लाह ताला ने उनसे जो है वो हिडन रखा हुआ था तो इस लिहाज से उन्होंने ये एक तरह की ट्रिक जो है वो उनके सामने रख दी आ, क्या वो तीन सवाल थे किस हवाले से थे और इस इस मामले को किस तरह से रसूल ने हैंडल किया अच्छा जो तीन हाँ जो कुफार ने उनसे यहूद से पूछ के तीन सवाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे उनमें पहला सवाल तो ये था कि गार वालों का क्या मामला था गार वालों का किस्सा बयान किया जाए अच्छा अब यह वो वाक्यात उन्होंने बनाए पूछे थे जो कि जिनसे अरब लोग वाकिफ नहीं थे ओ को मालूम था क्योंकि इनके इलाकों के किस्से थे या इनकी كتب में शायद बयान हुए होंगे लेकिन ये अरब के इलाकों में से नहीं था इसलिए अरब का इनको जानना मुहाल था एक चीज पूछी गायर वालों का हिस्सा किस्सा दूसरी पूछी जुलकरनैन का किस्सा और तीसरी पूछी रूह के बारे में सही रूह के बारे में तो वो मकसद उनका बेसिकली यही था कि अगर तो ये हम ऐसा कुछ पूछें कि जो कि अरबियों को नहीं पता हो और लेकिन एक रसूल के नाते इसको जरूर पता होगा अगर ये वाकई में अल्लाह अल्लाह का नबी होगा तो इसको के जरिए वही के जरिए इन इन चीजों चीजों के बारे में इन चीजों का लाजमी हो सकता है बिल्कुल तो क्या था इन सारे सवालों का जब ये लेकर गए रसूल ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें इनका जवाब दे दूंगा कल दे दूंगा तो so, उसके बाद हुआ कि दो तीन दिन वही नहीं आई और आप अलैहि वसल्लम कुछ बेचैन भी हुए कि ऐसा क्यों हुआ वही में क्यों सिलसिला वही का सिलसिला रुका तो और कुफार को जरा मौका मिला कि इस्तेहजा और कर सके मजाक उड़ा सके तीन दिन के बाद मुकम्मल सूरा नाजिल हुई और आपने दो सवालों के जवाब दे दिए और उसमें तीसरे जो सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने वो जो आयत नाजिल हुई आ, वो इस सूरत का हिस्सा नहीं थी वो दूसरी सूरत का हिस्सा थी मगर इसी के साथ नाजिल हुई सूरबनी स्टाइल का हिस्सा थी और उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो इनसे कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है बस तो फुल स्टॉप इसके अलावा इसके कोई बात नहीं की तो यहाँ पे उनको फिर मायूसी का सामना होना पड़ा तो वो जो तीन दिन वहीं रुकी रही थी वो उसके लिए अल्लाह ताला ने तरबियत फरमानी थी आपको फरमाया था कि आइंदा जब कुछ इरादा करें तो के लिया करें कि अगर मेरे रब का इन होगा तो मैं जरूर काम करूंगा वो एक तरबियत के पहलू में बहर अब ये जो शुरे का नाजिल होना इसमें भी बहुत हमत हम अगली स्लाइड पर चले जी जुनेद आगे कीजिएगा अब सुर कहा जी सुर कहा कि कुछ और भी थी जिसको अभी हम इसके बाद आगे चल के आज ही के सेशन में जिक्र करेंगे इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अब जब मुसलमान हर तरफ से पिस रहे हैं मार खा रहे हैं शदीद जिसे कहते हैं बल्कि शदीद या बदतरीन तशद का निशाना बन रहे हैं और रसूल सल्म तक भी गुफार के हाथ पहुँचना शुरू हो चुके हैं इसमें एक हमत ये अपनाई गई एक मसलहत ये अपनाई गई कि बेहतर ये है कि हम कोई जगह ऐसी मखसूस कर लें जहाँ क्योंकि दिन रात आयात इलाही आ रही है लोगों को तालीम तरबियत भी करनी है और नमाज वगैरह की अदायगी के लिए भी फिर एक घर का इंतखा किया गया एक सहाबी अरकम उनका घर था दार अरकम दार अरबी में घर को कहते थे तो अरकम रू का घर था वो मुंतब किया गया क्योंकि वो घर मका की शहरी आबादी से थोड़ा सा हटके था और नजरों से पोशीदा था तो वहाँ पे मुसलमान खुफिया तौर पे जमा होके दीन की तालीम हासिल करना शुरू हो गए और उनकी जिस खुफिया तरीके से वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे उसका एक वो इशारा हमें मिलता है अबू जर गफारी के किस्से में अबू जर गफारी के जब वो इस्लाम लाए और इस्लाम लाने की नीयत से मक्का आए नबी अलैहि वसल्लम से मिलने के और हजरत अली ने उनको साथ लेके जाना था दार अरकम तो हजरत अली ने बड़ी उनको मसले उनको कहा कि मेरे पीछे पीछे आना मगर फासला रख के और अगर मैंने किसी और को सामने से आता देख लिया तो मैं अपनी जूती का तस्मा ठीक करने के बहाने बैठ जाऊंगा और तुम वहां से आगे गुजर जाना ताकि तुम कोई किसी को ये ना अंदाजा हो कि लगे तुम मेरे के एक साथ एक साथ तो वो इस तरह की जो वाक्यात हमें सहाबा कराम के उस दौर के मिलते हैं ना उससे हमें ये बहुत अच्छा सा अंदाजा हो जाता है कि किस एहतियात और खुफिया तरीके से ये मिल सही इकट्ठे होते थे और वहां पे जाके सो आ, ये अच्छा एक अगर बड़ा अगर अहम यहाँ इसको हम दारुल अरकम के हवाले से अगर बात की जाए कि आज के दौर में अगर हम किस तरह से इस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं हम्म कि जब आपको अमली तौर पे कोई किसी तहरीक को लेके चलना है और आपको पता है कि आपका हर मुमकिन रोकने का बंदोबस्त किया जाएगा तो वहां पे कहीं अखवा से काम लेना पड़ता है अख्वा मतलब पसदा रहकर खुफिया तरीके से काम करना पड़ता है अगर हक हाँ का काम करना है और एलानिया करने में रुकावटें हैं तो जैसे भी है काम रुकना नहीं चाहिए इंसान को तदबीर से और हिकमत से कोई ना कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है हुँ. और ये भी एक अच्छी चीज है कि एक सेंटर आपको एक बना लें जहां पर सब मिलकर जमा होकर अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकें जो कि सेफ सेंटर हो एक तरह से बिल्कुल अब इसी जी अगली माइग्रेशन ऑफ हबशा पहली हबशा, हिजरत हबशा की क्या वो वजुहत थी और क्या वो सिनेरियो था और कौन कौन शामिल था और हबशा की तरफ हिजरत का रसोल्ला ने हुक्म दिया या इजाजत दी या अल्लाह की तरफ से काम आया क्या सिचुएशन थी और ही क्यों चूज किया ये भी बताइएगा जी बिल्कुल अब जैसे जैसे वक्त आगे गुजर आए ये तकरीबन नबूवत का चौथे साल का मिडिल एंड के करीब का वक्त है चौथा साल तकरीबन ख़त्म होने को है जब मुसलमान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरते गुजरते और इस वक्त हिजरत के लिए आसार बनना शुरू हो गए थे या जैसे कहते हैं ग्राउंड प्रिपेयर होना शुरू हो गई थी अच्छा हबशा का क्यों हाबशा का इस वजह से कि गिबा उनको वहाँ की जैसे आपको मुख मालिक के बारे में अंदाजा होता है ना कि किस मुल्क की खारजा पॉलिसी कैसी है या किस मुल्क के हुक्मरान कैसे हैं या कहाँ से आपको पनाह मिल सकती है और कहाँ पे आपको अप्रोच नहीं किया जा सकेगा शायद एक गाल गुमान ही होता है इंसान का तो गाल नाशी बादशाह के बारे में कुछ ना कुछ क्योंकि ये तो ताजर लोग थे मुख्तलि ममालिका आना जाना तो था ही तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा जिसकी वजह से इंतजाम एक बेहतरीन इंतब इन्होंने किया अभी हमने सूर्य कहाव का जिक्र किया था कि जब सूर्य कहाव नाजिल हुई तो उसमें बड़े लतीफ से इशारे थे लतीफ इशारे ऐसे कि जिसमें अः सब कहा का जो वाक्य था बयान हुआ तो उस वो बहुत क्लियर इसका एविडेंस था अल्लाह ताला ने इनको खोल के बताया इशारे ही इंसान अकलमंद इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है कि वो लोग जिनको जिनके ऊपर उनकी कौम ने जिंदगी के रस्ते बंद कर दिए और हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह उनको, उनको उनके पुराने दीन पर पलटा दें तो उस वक्त उन लोगों ने इरादा किया कि हम इलाका ही छोड़ देंगे हिजरत कर जाएंगे मगर दीन नहीं छोड़ेंगे सो अल्लाह ने अपनी करामत दिखाई अपनी कुदरत दिखाई ये किस तरह उन लोगों को तीन सौ साल तक या इससे भी ऊपर का कुछ अरसा उनको सुलाए रखा और उनको महफूज रखा और जब वो जागे तो दुनिया बदल चुकी थी तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत प्यारा सा इशारा था इसमें कि जब जिंदगी तंग होने लगे तो आप कोई जगह छोड़नी पड़े तो अपनी जगह छोड़ दो मगर दीन से मथ हटे फिर इसी में सूर्य में अः मूसा और खजर आलम का वाक़ा था जिसमें बहुत खुली निशानी है कि बज दफा चीजें जैसी नजर आ रही होती हैं आपको बज़ाहिर जो हालात मुश्किल या बुरे नजर आ रहे हैं तो हो सकता है वो कार में बेहतर हो इस वक्त मुश्किल आगे के आपके हक हाँ में बेहतर हो सकती है जैसे वो वाले में हमने देखा था कि जो बच्चों की कश्ती थी उन्होंने तोड़ डाली जिस उसमें एप डाल दिया एक हिस्से से तोड़ दिया उसको जब दरिया पार किया और मूसा जब उस पर तड़प उठे की ये क्या किया ये तो किसी की रोजी रोटी का बंदोबस्त था तो बाद में उनको मालूम हुआ कि अगर उसको ऐबदार ना किया गया होता तो वहां का बादशाह उन बच्चों से वो कश्ती छीन लेता तो मसले थी चीज़ों में इसी तरह मुसलमानों को भी जो एक मुश्किल वक्त से गुजारा जा रहा था तो ये भी उनका ट्रेनिंग पीरियड था कुछ ना कुछ इसमें भी हिम्मतें थी अल्लाह पाक की और अंजाम इसका भी बेहतर होने वाला था तो उनको ताकि इंसान जाहिर पे भरोसा ना करे जाहिर के ऊपर रह के हिम्मत ना छोड़ दे तो और हबशा में पनाह के लिए जो हबशा की पनाह है जो है उसमें रसूल ने क्या सोचकर कर इजाजत दी उनको क्यों किस बात पे कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कहा कि ठीक है हबशा बेहतर है एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज उनको यकीनन वहां के बारे में आ, ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई इशारा दिया हो हबशा के बारे में और यह भी हो सकता है कि वहां के हालात देखते हुए या वहां के पातशाह के बारे में जो भी उनके पास मालूम हो उनकी बिना पे हो फिर दरिया पार करके या समुंदर रेड थी क्रॉस करके एक ऐसी जगह पे जो जहां हो सकता है कि कुफार का ये गुमान ना हो कि इस तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि शाम और दूसरे इलाकों की तरफ खुशकी के रस्ते पे तो उनके तजारती काफिले आते जाते रहते ही थे तो हो सकता है ये एक महफूज मकाम तस्वर करके भी यहाँ पर सोचा हो तो इसी तरह फिर अब चल के जब सुरे कहा की आयत के साथ ही फिर उसके बाद वाजे बयान ही आ गया अः जुमर नाजिल हुई और उसमें हिजरत की तरफ वाजे इशारा लाने दे दिया इसमें अल्लाह कहा कि जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की है उनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की जमीन कुशादा है और सबर करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा तो ये जो आयत थी ये खुला एक वाज इशारा हो गया था कि हिजरत

हाबाशाह पहुंचे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरत इब्राहिम और लूत अलैहि सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने इकट्ठे हिजरत की है क्योंकि हजरत इब्राहिम उनकी और लूत भतीजे उनके थे तो इन्होंने पूरी एज अ फैमिली इकट्ठे हिजरत की थी तो उनके बाद गालिबा मुख्तफ अवत में इंडिविजल हिजरतें होती रही होंगी लेकिन आप सलम ने फरमाया कि एज अ कपल एज अ फैमिली ये पहला जोड़ा है जिसने हिजरत की है तो ये बारह मर्द और चार औरतें वहां और उनको वहाँ पे सुकून मयसर आया वहाँ पे किसी ने तो इनको पहुंच गए तो वहाँ उनको वहाँ की जो हुकूमत थी या वहां की जो बादशाह थी उनसे उनको क्या और कैसा रिस्पांस मिला और वहां का बादशाह था किस तरह का क्या उसने इनके साथ मामला तय किया जी इस तो पहली दफा में तो इनको कोई हुती कोई किसी किस्म की पूछगछ या तसादम का सामना नहीं हुआ वो आगे जाके दूसरी हिजरत के बाद उनको थोड़ा सा एक नोटिसबल चीज होगी क्योंकि पहली दफा में लोग थोड़े थे सिर्फ बारह मर्द तो और चार औरतें और कुफार इस चीज़ के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थे उनको पता नहीं चला उनको जब तक पता चला तब तक ये निकल चुके थे और वो इनके पीछे कोई जा नहीं सका So, वो तो वो एक कामयाब सी महफूज सी हिजरत हो गई लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक गलत फहमी की बिना पर इनमें से बहुत से मुसलमानों को वापस आना शुरू आना पड़ा अब वो गलत फहमी यह हुई थी कि जब जिस साल ये लोग गए उसी साल रमज़ान शरीफ में रसूल सल वसम हरम में तशरीफ़रमा थे और सुर नजम नाजिल हुई थी और आप सल ने एक से ऊँची आवाज़ में सुर नजम की तलावत शुरू कर दी आपको पाक का अंदाज बयान और खास तौर पे जो मक्की दौर की सूरतें हैं उनका एक रिदम ऐसा है कि वो वैसे इंसान को शहर में जकड़ लेता है अपने शहर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपने आ, उस, उस हुसन के अंदर इंसान को ऐसा जकड़ लेता है कि जिसको ना भी समझ आ रही हो वो भी सुन के मबूत रह जाता है जैसे कि हम रहमान को जब सुनते हैं तो उसमें एक ही आयत की तकरार दिल पे एक अजीब सा असर करती है तो अरब तो खैर अहले जुबान थे वो तो जुबान की हर बारीकी से वाकिफ थे तो जब सूर्य नजम और इसका अंदाज भी थोड़ा तहकमाना था हुक्म वाला जब वो सुनने लगे तो उनके ऊपर एकदम से सख्ता सा तारी हो गया उनमें से कोई अपनी जगह से हिल नहीं सका और इसमें अल्लाह ताला ने उनकी मनात और रजा की वाज नफ़ी की और जिस वक्त सूर्य खत्म होती है तो उसकी जो आखिरी आयत है उसमें अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं फर्स्ट जुद्लाह के आगे सजदा करो और उसकी इबादत करो और ये बड़ी तहकमाना हुक्म वाली आयत है और जैसे ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी ये आयत सजदा थी आयत पढ़ के आपने सजदा किया तो उस वक्त वहां सेहन में मौजूद जो हरम के सेहन में जितने लोग मौजूद थे सब के सब सजदे में गिर गए इस हुक्म पे ना एकदम से वो खुद पे काबू नहीं रख सके सिर्फ अबू लहाब था कि उसकी जिद और हट धर्मी ऐसी थी कि उसने सजदा नहीं किया उसने जमीन से मिट्टी उठा के अपने माथे पे लगा ली लेकिन मतलब रुक नहीं सका रेजिस्ट वो भी नहीं कर पाया हालांकि बड़ी कोशिश की तो अब जो दूर से देखने वाले लोग थे उन्होंने जब देखा कि तमाम के तमाम सजदे में पड़ गए तो बात इस अंदाज में फैली कि उन्हें लगा कि सब मुसलमान हो गए और जैसे वर्ड ऑफ माउथ एकदम से जंगल में आग की तरह फैलता है वो इस तरह से खबर फैल गई और दो बाद में इन लोगों ने कवर अप स्टोरीज बनाना शुरू कर दी खजालत हुई शर्मिंदगी हुई कि ये हमने क्या कर दिया फिर उन्होंने स्टोरी बनाई कि नहीं उसने तो लात मनात उज्जत उजा का जिक्र था हमारे बुतों का जिक्र था तो हमने तो अपने खुदाओं के नाम पे सजदा किया लेकिन बहरहाल जो खबर फैल चुकी थी अब वो फैली हुई खबर को तो कोई अंडू नहीं कर सकता था तो वो कहीं हबशा तक भी पहुंच गई और जब मुसलमानों को पता चला कि वहां तो सब अः कुफार मक्का मुसलमान हो चुके हैं तो उनमें से बहुत से महाजरीन जो थे वो वापस आए कुछ रह गए और अक्सर वापस आए मगर जब वापस आए तो ऐसा नहीं था ये अफवाह थी या गलत फहमी थी सो so, इस इस वजह से फिर हिजरत की दोबारा जरूरत पेश आई अगली स्लाइड पे चलें अच्छा यहाँ सादिया हबशा के हवाले से आ, मैं चाहूंगी कि वो वाक्य का जिक्र करें कि जो ह, हबश के बादशाह के साथ पेश आया कि जब जाहिर उसने हबश के बादशाह ने राशि ने जब उनको पनाह दी तो क्या मामला तय पाए और क्या क्योंकि जाहिर है वो एक अरसा रहे होंगे ना वहां पर रहने की भी एक,

दूसरे मुमालिक में चले गए लोग तो किसी को कुछ पता नहीं और वहां जाकर तो तो अपना खुलम खुला तो पैगामा भी उस तरह से नहीं तो थोड़ी बहुत तो खबर आती होगी लेकिन आपको इतना खुल के तो नहीं पता तो अब ये जो महाजरीन वापस आए थे इनके आने से मुसलमानों को एक अच्छे से अंदाजा जरूर हुआ होगा कि वहां पे तो इनकी जिंदगी कतन ऐसी मुश्किल नहीं है जैसी मक्का में है तो यही वजह है जिसने उनको हौसला दिया कि दूसरी दु, दु, दफा ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके जाए तो रसूल की इजाज़त से अब दूसरी बार एटी टू या एटी थ्री बयासी या तिरासी मर्द थे जिन्होंने हिजरत की और उनके साथ अट्ठारह या उन्नीस औरतें थोड़ा सा इसमें नंबर में जो डाउट है वो सिर्फ एक सहाबी के बारे में है कि उनके बारे में मुख्त लोगों का मुख्तु ख्याल है साथ गए थे या नहीं गए थे तो बहरहाल बयासी या तिरासी मर्द और अठारह या उन्नीस औरतें थीं जिन्होंने क्योंकि अब इनको पता था कि कोई एक जगह ऐसी है जहां हम आराम से अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन जब इनको पता था तो कुफार को भी तो पता था उनको भी मालूम था कि इनको एक ठिकाना मिल चुका है और अगर ये अब के वहां कदम जमाने में कामयाब हो गए तो कल को हमारे मुकाबल बड़ी कुवत के साथ आ सकते हैं तो, तो अब जिस तरह एक तरफ मुसलमानों को ये यकीन हो चुका था कि हमारे पास एक महफूज मुकाम है जहाँ पे हम जाके इतमान कल्प के साथ अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं वहीं कुफार को भी ये खदशा था कि अगर ये कदम जमाने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल का बायस हो सकता है लिहाजा इस दफा कुफार ने मुसलमानों का तक़ुब किया और वो भी पीछे पहुंच जी अब ये नबूवत का पांचवा साल है पांचवी पांचवा साल ही 90 है जिसकी हम बात कर रहे हैं अगली स्लाइड पे चलें जी 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 सो अब इमाम हरीम के खिलाफ कुरैश की साजिश अब ये वो टाइम है कि पहले एक काफला गया उसके बाद फिर वो काफला वापस आता है जब वो काफला वापस आता है गलत फैमे के बिना पर तो हम ये समझते हैं कि शायद हौसले पस्त हो गए होंगे लेकिन उन्होंने आकर कुछ तो बातें बताई होंगी कि वहां पर क्या माहौल है वहां उन्होंने क्या फेस किया जि, जिसकी बिना पर इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हिजरत के लिए हफ्शा की तरफ जाने के लिए तैयार हुए तो इस दौरान क्या मामला तय पाए और क्या प्रैश की जो है वो अब साजिश हो चुकी थी अब और मजीद और क्या वो एक्शन लेने पर आ गए थे जी मुसलमान तो खुफिया तौर पे यहाँ से निकल के हबशा पहुंचने में कामयाब हो गए लेकिन इसके साथ साथ कुफार ने भी अपनी साजिश तैयार रखी और उन्होंने प्लान बनाया और अपने दो अफराद को तैयार करके उनके पीछे भेजा के जाओ और उनको लेके आओ एक अमर बिन आस जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और एक अब्दुल्ला बिन रबिया जो और ये दोनों बहुत समझदार इंसान समझे जाते थे तो एक सफारती मुहिम से तैयार की गई और उनको कहा कि भाई तुम जाओ और जाके नजाशी से मिलो और अच्छे से तरीके से पेश आओ और मुसलमान ये जो यहाँ से भाग के गए उनको लेके आओ सो इनको तोहफे तहफ दे के भेजा गया कि बहुत जिस तरह एक सफारती डेलीगेशन होता है किसी सरबराह ममलिकत से मिलते हुए आप बहुत से अपने कीमती तहफ लेके जाते हो तो उसी तरह ये भी गए और हबशा पहुंचे फिर इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि नजाशी से मिलने से पहले उसके जो दरबारी अफराद थे बासर लोग जो हर वक्त दरबार में बादशाह के साथ होते हैं उनसे मिले अलग अलग, अलग और उनकी ख़िदमत में तहफ पेश किए अपना मौकफ बयान किया उनको अपनी बातों में उतारा और उनका दिल अपनी जानब कर लिया ताकि जब हम नजाइशी के सामने बात करें तो ये लोग हमारे हम ख्याल हों कोई हो हमें जो सपोर्ट कर सकें और जब इस मरहले में वो कामयाब हुए उसके बाद फिर नजाशी के दरबार में हाजिर हुए और नजाशी के पास पहुंच के भी बड़े चालाकी के साथ इन्होंने अपना जो मौक़ पेश किया वो इस तरह से कहा कि बादशाह हमारे कुछ ना नासमझ नौजवान भाग के आपके पास आ गए उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए बल्कि कोई नया ही एक नया ही दीन ईजाद किया है जिसको ना हम जानते हैं और ना आप तो इनके अपने ही वालद और चचाओं और कबीले कभी, के लोगों ने हमें आपके पास भेजा है ताकि आप इन्हें इनके घर वालों के पास वापस भेज दें और वो फिर इन पर कड़ी नजर रख सकें और ये ऐसी बात थी जिस पे सुनने वाला थोड़ी देर के लिए जरूर सोचता है कि अच्छा उन नौजवानों के अपने घर वालों ने ही वापस बुलाया तो उसको आप उस तरीके डिफरेंट तरीके से देखते हैं ना लेकिन नजाइशी समझदार इंसान था और उसने सारी बात सुनने के बाद कहा कि नहीं मैं दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता तो इसलिए उसने मुसलमानों को बुलवा भेजा और सोचा कि मैं पहले इसको सारी आ, हर पहलू से देखूंगा कि असल बात क्या है उनसे भी पूछूंगा और फिर फैसला करूंगा। तो मुसलमानों ने भी यही सोच लिया कि हम जो भी होगा ठीक बात करेंगे सच करेंगे और आ, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा हमें कोई बात हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं तो मुसलमानों की तरफ से जो तर्जमानी की वो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालब रज़ी ताली जो कि अबू तालब के बेटे थे रसूल सल्लाम के फर्स्ट कज़न थे हज़रत अली के बड़े भाई थे तो उनको चूज़ किया गया कि आप हमारी तरफ से नुमाइंदगी करें हज़रत जाफिर ने उस वक्त बहुत ही प्यारी तकरीर की उस वक्त बादशाह के सामने इतने प्यारे अंदाज से उन्होंने अपना मौकफ़ बयान किया उन्होंने कहा कि ए बादशाह हम एक ऐसी कौम थे जो कि जाहलीत में मुबतला थी हम बुत पूछते थे हम मुर्दार खाते थे मुर्दार मतलब मरावा जानवर हम बदकारियां करते थे कराबत दारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे हम सायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में हम में इसी से एक रसूल भेजा और ऐसा भेजा जिसकी आला नस्ब होने और उसकी सच्चाई और उसकी अमानत और उसकी पागदानी से हम पहले ही वाकफ थे उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसी की इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूछते हैं उनको छोड़ दें उसने हमें सच बोलने अमानत अदा करने कराबत जोड़ने मतलब रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में पढ़ने से मतलब फोहश काम करने से झूठ बोलने यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया उसने हमें ये भी दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें उसके साथ किसी को शरीक ना करें उसने नमाज रोजा जक़ात का दिया। तो इस तरह जाफिर रजी तु ने ऐसी सारी चीजें गिनवा दी जिसको कोई भी कौम का कोई किसी भी कौम का फर्द किसी भी मजहब का फर्द उनको झुठला नहीं सकता अगर आप किसी को झूठ बोलने से मना करेंगे या अमानत अदा करने के या हमें औरतों के तो तो उन्होंने कि कि इस नहीं अच्छी बातों की तलकीन ही है इसमें। बिल्कुल उन्होंने गिन, गिन के उस तरह की खूबियाँ तमाम वो एक तो समझे की दीन की तालीमत ही रख दी एक तरह से ये तबलीग भी होगी और ऐसे मौसर अंदाज में हुई की जिस, जिसको कोई भी छुटला नहीं सकता था के बजाय से कि को, को, कोई कोई अपील फॉर पिटी या कोई ऐसी चीज की जाए या इल्जाम तराशियां या कुफार के बारे में बात की जाए उन्होंने सिर्फ जो अपना सच था वो सामने रख दिया तो सच बजाते खुद ही काफी हो जाता है तो इस तरह से जब उसने ये सारी बातें बताई उन्होंने सारी बातें बताई और फिर उसके बाद कहा कि ये हम तो ये तमाम चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पे जुलम से तम किया और हमारे हमें दीन से बाज रखने या फेरने के लिए हर तरह की सजाएं दी तशद का भी जिक्र कर दिया तो उस वक्त फिर हमने आपके मुल्क की राह ली और हमने दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया इस उम्मीद पर कि आप के पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा जो कि हकीकत थी इतनी बात तो नज़ाशी ने कहा कि वो पैगंबर जो कुछ तुम्हारे पास लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास है जाफर ने कहा हाँ तो नजाशी ने कहा कि मुझे पढ़ के सुनाओ तो तब हजर जाफ़र ने सुर मरियम की जो जो कि उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी उसकी इब्तदाई आयत तिलावत फरमाई और वो सुन के नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी कहते हैं कि तर हो गई और उसके साथ जितने उसके मुसाहिबीन थे वो भी तिलावत सुन के इसी तरह बहुत रोए इसका मतलब उन सबको भी अरबी समझ में आती थी इसलिए उनको कलाम की हकानियत न सिर्फ उन्होंने समझी महसूस की बल्कि उनको यकीन भी हो गया कि ये सच है और फिर नजाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो मूसा सलाम लेकर आए थे दोनों तो एक ही शमदान से निकले हैं इसके बाद नजाशी ने वो जो ने मका अमर बिन 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 अल आस और अब्दुल्ला रबिया थे उन दोनों को अपने दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया फिर वो निकल तो गए लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हार मान लें सो फिर उन्होंने कहा कि अमर बिन अलासी की तजवीज थी उसने कहा अब कल मैं ऐसी चाल चलूंगा कि देखना अब तो जड़ काट के ही रोगा इनकी ना तो अब्दुल्ला बिन रबिया ने रोका भी कि रहने दो जाने दो लेकिन अमर बिन अलास ने कहा कि नहीं अब तो होगा फिर अगले दिन फिर जाके नजैशी से वो मिले और कहा कि ए बादशाह ये लोग ईसा बिन मरीम के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जरा इनसे पूछें इस पर नजाइशी ने फिर से मुसलमानों को बुलाया और वो पूछना चाहता था कि हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हैं मुसलमान इस दफा मुसलमान थोड़ा सा घबराए जरूर थे लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जो भी है हम सच ही कहेंगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी नतीजा हो तो जब नजाइशी के दरबार में आए तो इस दफ़ा फिर हजरत जाफिर ही को चुना गया और उन्होंने कहा कि हम ईसा आलाम के बारे में बस वही बात कहते हैं जो हमारे नबी लेकर आए यानी ईसा आई इस्लाम अल्लाह के बन्दे हैं अल्लाह के रसूल हैं उसकी रूह है और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी पागदामन मरियम आल्लम की तरफ अलका किया था इस पर नजाशी ने जमीन से तिनका उठाया और कहा खुदा की कसम जो कुछ तुमने कहा है इससे ईसा इस तिनके से बढ़कर भी ज्यादा नहीं है मतलब एग्जैक्ट तुमने बात की है अगर हम कहें ना रत्ती बराबर भी फर्क हो गए नहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा थे तुमने कम बयान किया तो ऐसी नहीं ये मतलब था उसकी बात का तो इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मेरे मुल्क में अमन और अमान के साथ रहोगे हमेशा तुम्हें कोई छेड़ नहीं सकता और अगर कोई तुम्हें गाली देगा तो उस पर तावान लगाया जाएगा यानी उसको फाइन किया जाएगा उसको इसका भुगतना पड़ेगा और उसने कहा है कि मुझे गवारा नहीं है कि मैं से किसी एक आदमी को सताऊं सताऊं या उसके और उसके और बदले में सोने का पहाड़ मिल जाए यानी अगर मुझे कहा जाए कि, कि किसी एक बंदे को हमारे हवाले कर दो या उसको ये नुकसान पहुंचा दो और उसके बदले में मुझे कोई सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए ना तो मैं उसको भी कबूल नहीं करूँगा लम्हा लम्हा फिक्र है हमारे लिए कि हम डॉलर्स के लालच में वैसे अपने लोगों को हवाले कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि पैंतरा तो उन्होंने चला था कि एक ऐसा दोनों के बीच में एक ऐसी एक, एक, एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो लेकर आया जाए क्योंकि इनको ये पता था कि जो क्रिश्चियंस है जो नजाशी जो है वो ईसाई था तो उनका मानना नॉर्मली ये है कि ईसा जो है वो नाउज बिला अल्लाह जो है वो बेटे हैं इस डिस्प्यूट को लेकर बहुत एक कंट्रडिक्शन हो सकता था लेकिन यहाँ पर भी मुसलमानों ने जो है वो उस चीज को इस तरह से कवर किया कि उन्होंने बर रास्त उनको ये नहीं कहा कि बुरा नहीं कहा गलत नहीं कहा बल्कि उन्होंने वही बात रखी जितनी वो जानते थे कि हमें ईसा के हवाले से जो है ईसा नबी के हवाले से हमें इतना इल्म है और जितना हमारे नबी ने हमें बताया वो ये है तो बहुत ही समझे कि इस सिचुएशन को बहुत जो कि बहुत टेंस सिचुएशन हाँ। है उसको भी बड़े खूबसूरती से जो है उन्होंने कवर किया यानी एक दिन या काम भी उन्होंने सामने रख दिया और एक मैसेज भी सामने रख दिया और उस मोर के को भी खूबसूरती से जो है वो जीत लिया एक तरह से कि कोई देखा जाए नहीं हम जिंदगी मौत का दारोमदार हो फिर भी आप बात को हेरफेर करके कुछ किसी को अबलाइज करने की कोशिश ना करें अब सिर्फ जो सच है उतना ही कहें तो ये बहुत बड़ी बात है और उस बादशाह के अदल की भी बड़ी अच्छी मिसाल है कि जिसने इनके साथ इतना उसने सलूक किया और ना सिर्फ इतना इनके साथ सुलूक किया बल्कि इस दूसरी इन... वाक्य दूसरी मुलाकात के बाद उसने अपने सारे दरबारियों से कहा कि जो तहाइफ इनसे लिए इनको वापस कर दो हम किसी किस्म की रिश्वत भी कबूल नहीं करते नहीं। और उसने उसको भी लेने उसको भी रिश्वत समझा और उनको यानी एक तरह से मुकम्मल नाकामी के साथ उन दोनों असाब को मक्का वापस लौटना पड़ा सही ये हमारा आज का था सेशन और एक और पहलू हमने सीरा का जो है वो आज सीखा और यकीनन हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हम जो जो सेशन कवर कर रहे हैं उसमें हमें भी अपने आप को देखना है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं कहाँ पाते हैं और कहाँ हमें होना चाहिए और किस किस दौर से हम गुजर रहे हैं और हमने ऐसे दौर में ऐसे वक्त में किस तरह से हिकमत को इस्तेमाल करना है कहीं पर सब्र को इस्तेमाल करना है थैंक यू सो मच सिस्टर की तरह आपने इस बार भी हमें बहुत uh, अच्छी जो है वो सीरा की नॉलेज दी और और आप के लिए उम्मीद है कि हम आइंदा इस uh, अपने सीरा सेशन को और कामयाब बनाने की कोशिश करें और हमारे जो ग्रुप मेम्बर्स शा, साथ शामिल नहीं हो रहे कोशिश करें कि उनको भी साथ लेके आए बिल्कुल आप सब लोग मिलकर जो है वो कोशिश करें उनको अप्रोच करें और उन तक कुछ ना सही तो आप लोग तक रिकॉर्डिंग शेयर कर दें और इवन के अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने रिलेटिव्स को भी अपने दोस्त अहबाब को भी जो है वो आप लोग ये रिकॉर्डिंग्स का लिंक सेंड कर सकते हैं और लाइव रिकॉर्डिंग जो हमारी जो लाइव होती है हमारी जूम की तो आप वो लिंक भी उनको शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सदका जारिया कमा सकते हैं थैंक यू एवरी वन फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन के साथ अल्लाह तला हम सबकी इसको कोशिश को जो है वो कबूल मकबूल फरमाए आमीन Thank you, everyone. Mm -hmm. Inshallah, join us the next session. Se. Allah mm Hafiz. -hmm.